एक बार एक आदमी का अपने पड़ोसी से बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ। उसने उसको बहुत बुरा भला कहा, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने गलत करा है, और उस गलती के एहसास को लेकर वो एक चर्च में गया और वहाँ के पादरी से उसने कन्फेस किया कि मैंने बहुत गलत किया है। पादरी ने सब कुछ सुना, फिर उसे एक पंखों से भरा थैला उसको दिया और कहा, जाओ ये पंख बाहर उड़ा कर आओ। आदमी बाहर गया और सारे पंख एक एक करके उड़ाकर वापस आया और खाली थैला पादरी को दे दिया। पादरी ने फिर खाली थैला उस आदमी को दिया और बोले कि जाओ बाहर जाकर जो तुमने पंख उड़ाए हैं उनको इकट्ठा करो और इस थैले में भरकर ले आओ। आदमी बाहर गया और जो बचे कुचे पंख थे उनको बीनकर थैले में भरकर ले आया और पादरी को दे दिया। तब पादरी बोले, अरे ये तो थोड़े से पंख हैं, मैंने तो तुम्हें बहुत सारे पंख दिए थे। तब आदमी बोला, जी हाँ आपने मुझे बहुत सारे पंख दिए थे, लेकिन वो पंख उड़ गए और जो बचे हुए पंख थे मैं उठा के ले आया। तब पादरी बोले कि जिस तरीके से बिखरे हुए पंख तुम वापस नहीं लेके आ सकते, उसी तरीके से बोले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। कई बार बड़बोलेपन में हम लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं जो हमें कई बार फ्रेंड्स के बीच में फेमस भी कर देते हैं, लेकिन वो हमें नुकसान भी पहुंचा देते हैं। इसलिए जब भी आप बात करें, जब भी आप कुछ बोलें, उसे बहुत ध्यान से बोलिए, क्योंकि जिस तरीके से धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरीके से जुबान से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।